हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँ कैसे आप यूआरएल को सॉर्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट का यूज़ करके। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कैसे यूआरएल को सॉर्ट करते हैं और वो प्लगइन का नाम क्या है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। सो गाइज, यूआरएल को सॉर्ट करने के लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। तो आप सिंपली प्लगइन पे हावर करिए और ऐड न्यू पे चले जाइए। यहाँ पे आपको एक प्लगइन सर्च करनी है यूआरएल सॉर्टनर के नाम से, आप सिंपली सर्च कर लीजिए। तो गाइज, यहाँ पे आपको फर्स्ट प्लगइन देखने को मिल जाएगी जिसकी रेटिंग है 4 की, जिसमें 1000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है और काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है इसी प्लगइन की। तो आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए। फिर जैसे ही इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सॉर्ट लिंक्स का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए। फिर आप सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पे जाइए। मैंने यहाँ ऑलरेडी एक यहाँ पे सॉर्ट लिंक बनाया हुआ है। सो यहाँ पे इसके आगे आप क्या रखना चाहते हैं यूआरएल उसको टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डेमो डाल देता हूँ। और किस पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ पे डाल दीजिए। अब उसके लिए मैं यहाँ पे एक अपना पोस्ट ले लेता हूँ अपनी वेबसाइट से, जैसे कि मैं इसी पोस्ट को कॉपी कर देता हूँ। इसका यूआरएल गाइस अलग है, आप देख लीजिए पहले। ये देखिए, इसका यूआरएल कुछ ऐसा है। हम लोग यहाँ पे ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सिंपली ऐड लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ले लीजिए, हमारा ऐड हो चुका है यूआरएल। अब मान लीजिए गाइस, अगर आप सर्च करते हो मेरे वेबसाइट का नाम technicalinteract.com/demo, फिर हम लोग यहाँ पे अगर इसको इंटर करते हैं तो हमारे जो शॉर्ट लिंक बना है ये रिडायरेक्ट कर देगा हमारे उस वाले ओरिजिनल वाले यूआरएल पे, जो कि हमारा ये वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे गाइस, ऐसा नहीं है कि आप अपने वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर सकते हो, आप चाहे तो अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप फेसबुक पेज का यूआरएल ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है technicalinteract.com/channel। अगर मैं ऐसे सर्च करता हूँ technicalinteract.com/channel पे इंटर करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट कर देगा मेरे यूट्यूब चैनल वाले यूआरएल पे, ये देखिए। तो कुछ इस प्रकार आप भी अपने यूआरएल को सॉर्ट करके यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपका यूआरएल काफ़ी लॉन्ग है तो अपने वेबसाइट पे आकर के उसको इजीली सॉर्ट करके उसको शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आपको ये यूआरएल सॉर्टनर प्लगइन कैसा लगा कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे कई वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियोज हैं, आप चाहे तो उसको वॉच कर सकते हैं। चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।